जी यहाँ पे बताइए. हाँ ओके. तो बिल्कुल नहीं था ज़्यादा डिफिकल्ट काम, तो ये कर रही थी. बहुत ही अच्छा रोल था जो ताप्सी ने बहुत अच्छा निभाया, जैसे आप लोगों ने महसूस किया है, देखा है. मेरे लिए इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था और मैं इनका प्रशंसक हूँ काफ़ी टाइम से. इन्होंने जिस तरह की फिल्में इन्होंने किए हैं, जो इनका करियर ग्राफ रहा है वो मैंने देखा है. एंड आई रियली लाइक एंड आई वांट हर टू डू वेल फॉर. होता है ना कभी कभी कुछ लोगों को देख के आपको लगता है कि इनका अच्छा होना चाहिए. इसके आस पास रहो तो इसलिए मैंने कहा ये 2-in-1 पैकेज हो जाएगा, तो डेफिनेटली कुलशन शुड बी इन द फिल्म. मैं थोड़ा जोकर मैं अच्छा इंसान भी हूँ, बहुत अच्छा इंसान. आपके किरदार पे मत जाओ, वैसे ही अच्छा इंसान है इन रियल. तो हस्बैंड का रोल किया मैंने, आपने तो देखा ही है कि मेरे साथ क्या होता है. ऑफ कोर्स ये सारे अच्छे इंसान हैं, क्योंकि ये जो स्पेशल स्क्रीनिंग था ये इन लोगों का ही आइडिया था. तो एक बार तालियां हो जाए. तो भाई रुला दिया आपने इनको. हाय ऑडियंस एंड तापसी मैम और हमारे जितने भी, तो सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम अली हुसैन शेख है और मैं आपके जितने भी फिल्में देखता हूँ मैम, सच बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी देखता हूँ और मैं रिव्यूज़ के भरोसे नहीं जाता, लेकिन हाँ दिल से जाता हूँ कि मुझे तापसी मैम की मूवी देखनी है कैसे भी करके. और मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाता हूँ मैम थिएटर में. और मैम अभी जो ये किरदार था आपका ब्लाइंड का, जो विजुअली इंपैक्ट का आपने किया, तो मैम मेरा भी यही सवाल है, ऑडियंस की तरफ से ये सवाल था, तो मैं भी पूछूंगा, आपने टॉपिक ऑन किया था क्या मैम मोबाइल का? और जब आपने कहा था कि कॉल दीपक तो आपने ओके गूगल यूज किया था क्या मैम? मुझे ये पूछना था. आपके जितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट मैम हूँ मैं, तो वो मैम आपके लिए कहना चाहूंगा कि कितनी भी धाराएं बह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी धाराएं बह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ तापसी मैम आ गई है तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए. अब तो मैम आप आइए, मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है. मैंने कभी मतलब मैंने सोचा था कि आपसे कभी मुलाकात करूं और फाइनली आप मिली है. तो बेबी मूवी में एक आपका एकदम प्यारा सा सॉन्ग था, हवाओं की तरह किसी राह से रोज़ाना. अगर मैम आपकी इजाजत है तो मैं बस आपके लिए दो लाइन एक गीत गाऊंगा, दो लाइन. मुझे इतना बताए कैसे तुझसे
बट जिसने भी इसको सोचा है थैंक यू वेरी मच इज अ ग्रेट थिंग यू क्योंकि आपने पॉइंट किया विशाल आदर इतना अच्छा लगा कि आपने कॉम्प्लेक्स फील्ड को भी समझ लिया एंड दैट्स लाइक अ फॉर अस एंड एज एन ऑडियंस काफी लोग तो देखकर भी नहीं समझ पाते हैं आप लोगों ने जो बड़ा इंप्रेशन छोड़ के जाएगा ना कंसंट्रेशन से देखते ही नहीं ये आपने बहुत सही क्योंकि सारे टाइम उनको फोन चेक करना होता है और भी चीजें आ जा रहा है आप खोलिए देखिए देखिए तब से जी देखिए
ना आपको नहीं दिखेगी और भगवान भी नहीं दिखता है खोलकर। बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू तापसी जी को, पूरी टीम को उनकी, और अभिलाष जी आए नहीं है, अभिलाष जी की डिमांड बहुत तगड़ी है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि तापसी जी अपने गाइड को बुला लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना गाइड के प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन का आंसर जो पूछा था किसी बंदों ने, वो तापसी जी के बिहाफ में मैं दे रहा हूँ। तापसी जी का मोबाइल एंड्रॉयड नहीं था, iOS था, और iOS में बोलना नहीं पड़ता, होम बटन प्रेस करो, कॉल दीपक, वो दीपक को कॉल करेगा, जिसके पास iOS है वो कर ले। नहीं, है सीरी नहीं बोलना पड़ता, है सीरी नहीं बोलना पड़ता भाई, सॉरी। आप होम बटन दबाओगे वो सीरी अपने आप आती है बिना बोले, और कॉल दीपक आती है। मैं यूज करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी नहीं यूज कर रहा हूँ मैं कॉल बटन को, उसको होम बटन को, लेकिन वो होता है, आराम से होता है बिंदास, इसलिए वो टेक्निकल फॉल्ट ढूंढो मत भाई। थैंक यू। मैं तापसी जी को डिफेंड कर रहा हूँ भाई, चिंता मत करो। विशाल जी का विशेष धन्यवाद है, क्योंकि विशाल जी ने इतनी सोची। ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट फेलिसिटेशन। मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे मिस तानिया बलसारा को। सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में, तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तानिया हियर।